अस्सलाम, मैं हूं जी ज़ियाउर रहमान ज़िलज, लाइफ राइजर एंड करियर काउंसलर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएस फिजिक्स से मुतल्लिका कि इसका स्कोप क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं और लेकिन समझ में नहीं आ रही होती इसका स्कोप क्या है। बीएस फिजिक्स तो कर लिया, क्या सिर्फ टीचिंग ही करेंगे? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि कौन इसमें एडमिशन ले सकता है। अगर आपने FSC की है, प्री मेडिकल या नॉन मेडिकल, आप BS फिजिक्स में एडमिशन ले सकते हो। ये BS फिजिक्स होता है क्या जी? मेरे इंटरेस्ट की फील्ड है भी है कि या नहीं? फिजिक्स कहते हैं जी दुनिया में जो कुछ है ना, यानी मैटर, मादे की फिजिकल स्टडी को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने का नाम फिजिक्स है। कि ये कैसे बनी, ये किन चीज़ों से मिलके बनी, इसमें क्या क्या खसूसियात हैं, ये किस किस काम आ सकती है, इस स्टडी का नाम, उसके स्ट्रक्चर को, उसके डिज़ाइन को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, मैटर की प्रॉपर्टीज़ को, स्ट्रक्चर को, डिज़ाइन को स्टडी करने का नाम फिजिक्स है जी। अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप कोई भी चीज़ पकड़ते हैं, कहते हैं भाई इसमें क्या खूबी है, ये कैसी बनी है, कैसे बनाई गई, ये कैसे डिज़ाइन में आई, अगर इन चीज़ों में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप यकीनन फिज़िक्स वाला या इंजीनियरिंग माइंड रखते हैं। आपको फिज़िक्स में या इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। तो फिज़िक्स का स्कोप क्या है जी? फिज़िक्स मैंने जैसे पहले बताया फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी का नाम है किसी भी शय के। आप अगर BS फिजिक्स कर लेते हो, और BS फिजिक्स हो कहाँ पे रहा है जी? पाकिस्तान की शायद ही कोई यूनिवर्सिटी हो, बल्कि यूनिवर्सिटी छोड़ें, आपके टाउन में, आपके सिटी में, आपके तहसील में जो कॉलेज होगा, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज या कॉलेज, मुमकिन है वहाँ पे भी BS प्रोग्राम हो रहे हों फिज़िक्स के साथ, तो आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो। किसी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ आपके लिए आसानी रहे। तकरीबन ये पाकिस्तान की 80% यूनिवर्सिटी BS फिज़िक्स का प्रोग्राम ऑफर कर रही हो। इसका स्कोप क्या जी? स्कोप इसका हम कुछ यूँ डिस्कस करेंगे कि आप जैसे पहले बात हुई कि आप एज अ टीचर जॉब कर सकते हैं, एज अ लेक्चरर, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी कहाँ जॉब होती है? असल में फिज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं और जितनी उनके ऊपर इंशाल्लाह अलग से भी बात करेंगे। जैसे अप्लाइड फिज़िक्स है, नैनो फिज़िक्स है, स्पेस फिज़िक्स है, मॉलिक्यूलर फिज़िक्स है, बेशुमार फिज़िक्स की ब्रांचेज हैं। लेकिन आज हम, क्योंकि आपको जॉब एरियाज़ का बताने जा रहा हूँ, तो टीचिंग के बाद आप फिज़िक्स में एज अ फिज़िक्स कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। आप नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड में जा सकते हैं, आप रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं। पाकिस्तान में जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, किसी भी किस्म की इंडस्ट्री हो, उस इंडस्ट्री के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ उनको कोई ना कोई फिज़िक्स या इंजीनियर चाहिए होता है आप उनकी मशीनरी को हैंडल करने के लिए। आप क्वालिटी सुपरवाइज़र के तौर पर काम कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर जॉब कर सकते हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर। आप, जैसे मैंने बताया, स्पेस साइंटिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। स्पेस की जितनी स्टडी होगी, ज़मीन की जितनी स्टडी होगी, ये जियोलॉजी एक अलग फील्ड होगी, लेकिन वहाँ पे फिजिक्स साइंटिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जियोग्राफी की जितनी स्टडी हो, क्योंकि ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच होगी, आप वहाँ पे जितनी उसकी स्टडी होगी वहाँ पे भी एज अ फिजिक्स एक्सपर्ट चाहिए होगा। फिर स्पेस के अंदर, फिर आप कह लें एयरक्राफ्ट के अंदर, ये हमारे जो बहरी जहाज हैं, जो हवाई जहाज हैं, इनके अंदर गाड़ियों की जितनी स्टडी है और वहाँ उनकी जितनी ब्रांचेज हैं, जहाँ जहाँ वो तैयार होती हैं, वहाँ वहाँ पे एक फिजिक्स के एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, फिजिक्स के कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप BS फिजिक्स करते हो तो सिर्फ टीचिंग की जॉब नहीं है आपके लिए, आपके लिए और बहुत सारे शोबे हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इंटरेस्ट रखते हैं तो लाजमी अप्लाई करें, और उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन रिजल्ट दिखाएंगे और यह आपका बेस्ट करियर साबित होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।